ओके तो हमारे पास आज के लिए भी टारगेट हमारा ऑपरेटर्स पे ही डिस्कशन है। सी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे फाइल मैंने आपके लिए बना ली है। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पे हमने देखा ये हमारा हैश इंक्लूड वाला सेक्शन हो गया, वॉइड मेन जैसा हम फॉलो करते थे सी प्रोग्राम के लिए। यहाँ हो गया इंट ए बी सी, तीन इंटीजर हमारे प्रोग्राम में हम यूज़ कर रहे हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे तीन इंटीजर यूज और कोई इंटीजर यूज नहीं हुआ। इसमें हम मेनली डिस्कस क्या करेंगे, हम करेंगे आज केवल और केवल एक टॉपिक हमारा, वो है रिलेशनल ऑपरेटर। कल भी कुछ ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, वो देखेंगे, कल का कल देखते हैं, आज के लिए देखते हैं। तो अभी हमने क्या किया, तीन इंटीजर्स हैं, तीनों के इंटीजर की वैल्यू हम यूजर से इनपुट करा लें। यूजर से इनपुट कराएंगे तो यहाँ यूजर इनपुट कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑपरेटर्स की डिटेल, तो इसको मैं यहाँ जिससे समझ पाया एक एक लाइन लाइन। पहला ऑपरेटर है हमारा इक्वल टू। अगर दोनों वेरिएबल हमारे इक्वल हो जाएंगे तो ये चेक करके, कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, इक्वल इक्वल टू रह गया था हमारा, तो उसी रिगार्ड में अब अगर दोनों वेरिएबल हमारे ए और बी इक्वल हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए इज इक्वल टू तो वैल्यू आनी चाहिए दोनों की क्या आनी चाहिए, वन, क्योंकि रिलेशनल है, ये रिलेशन बताएगा। अगर ट्रू होगा तो बताएगा और फॉल्स होगा तो बताएगा। अच्छा, अगर ए बी को हमने इक्वल दे रखा है और सी की वैल्यू हमने इक्वल नहीं ले रखी है ए के, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स, इसका मतलब जीरो आएगी, ठीक है। इसी तरह ग्रेटर देन बी होगा या ग्रेटर देन सी होगा या लेस देन बी होगा या लेस देन सी होगा, तो ये सारी कंडीशन। अब एक और ऑपरेटर है, हम करते हैं नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, ये पाइप साइन शिफ्ट के साथ लगाएंगे तो पाइप साइन ये दे रखा है, ठीक है। ये आपका ये एक्सक्लेमेशन वाला होता है ना, ये इधर एक होता है पाइप साइन, वो नहीं लगाना है हमने, कौन सा एक्सक्लेमेशन जो आता है सिंबल जो लगाते हो आप, तो वैसा हम ये नॉट इक्वल टू। इसी तरह नॉट इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन, अगर फॉल्स होगा तो आएगी जीरो। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू, और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू। आज ये रिलेशनल ऑपरेटर देखेंगे और एक इफ कंडीशन वाला और पढ़ेंगे हम, ठीक है, वो देखते हैं सीखते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। दो तीन ऑपरेटर और बचेंगे तो कल में और परसों में इसको कवर कर लेंगे, मतलब ऑपरेटर खत्म हो जाए एक बार तो हम आगे का डिस्कशन जारी रखेंगे हमारा। ये सारे ऑपरेटर हम पढ़ चुके, अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को देखना है, तो सबसे पहले तो इसको मैं एक साथ ले आता हूँ, अच्छा देख भी लेता हूँ प्रिंट, अच्छा गलती हो जाएगी ये प्रिंट, हाँ ठीक, कोई करेक्टर आपका मिस नहीं होना चाहिए, देख लो आप सेमी कॉलन सबके बाद है, अच्छा हाँ हमने गलती की, लिखा नहीं है हमने प्रिंट एफ, और यहाँ लिख देते हैं हम प्रोग्राम एंड्स, ठीक है। चलिए ये हमारे पास यहाँ आ गया, अब एक एक करके इनकी वैल्यू को हम देखते हैं, एक बार हम इक्वल देंगे एक बार नॉट इक्वल देंगे, ठीक है। तो इसको पहले क्या कर लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, चलिए बिल्ड तो हो गया है, रन कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है तीन इंटीजर दो हमें, एक हमने इनपुट दे दिया, चलिए पहले कर लेते हैं हम इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेवन, फिर दूसरा भी हम दे देते हैं सेवन, और तीसरा दे देते हैं हम नाइन। सेवन ए और बी, ठीक है ना, इक्वल है और सी वाला इक्वल नहीं है। आउटपुट देखिए, सेवन इज इक्वल टू सेवन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन। सेवन इज इक्वल टू नाइन नहीं है, तो वैल्यू कितनी आ गई, सेवन इज ग्रेटर देन सेवन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स, क्योंकि इक्वल है। सेवन इज ग्रेटर देन नाइन, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो, क्योंकि ये इक्वल ग्रेटर देन नहीं है। सेवन इज लेस देन नहीं है, अच्छा सेवन इज लेस देन नाइन, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वन। सेवन इज नॉट इक्वल टू सेवन, ये जीरो। सेवन इज नॉट इक्वल टू नाइन, ये हो गई वन। सेवन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इक्वल टू कंडीशन है तो ये ट्रू हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया, वन। सेवन इज ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन, तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो। सेवन इज लेस देन इक्वल टू लगा, लेस देन इक्वल टू लगा, तो वैल्यू कितनी आई, वन। और सेवन इज लेस देन इक्वल टू नाइन, तो लेस देन वाली कंडीशन ट्रू होगी, कितनी आ गई, वन। ये हमारे पास हमारे सारे जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर थे उनका आउटपुट आपके पास है। अब एक काम और कर लेते हैं, इसको फिर से रन करा लेते हैं। इस बार हमने तीनों वेरिएबल को
इक्वल देते हैं 777। अब देखो, आप समझ रहे हैं ना, तो 7 = 7 1 हो गई, 7 = 7 1 हो गई, 7 > 0 ये 0 हो गई। अब एक काम और कर लेते हैं, हम पहली वैल्यू को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इसको रन करा लेते हैं। तो हमने पहली वैल्यू को रन कर लिया 977। अब b = c वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। देखिए आप जहां भी आप देखिए, 9 = 0 गई, 9 = 7 0 गई, 9 > 1 हो गई, 9 > 7 1 हो गई, 9 < 7 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब रिलेशनल ऑपरेटर हमें क्या बताएगा, रिलेशनल ऑपरेटर हमारा बताएगा कि हमारा क्या, हमारा दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है। अच्छा, कल हमने कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर भी पढ़े थे ना शायद, और कल अरिथमेटिक वाले भी पढ़े थे, आपको याद हो? तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा लिखा था, क्या लिखा था ये, ऐसा है ना, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, तो सारा एक ही प्रोग्राम में आ जाएगा। ये तो हमारे पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गए आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसको मैंने जो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो क्या थे, वो थे हमारे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, है ना, क्या थे, इंक्रीमेंट मेंट और क्या था, डिक्रीमेंट। अरे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या था, ए प्लस प्लस यूज कर रहे थे, ए माइनस माइनस यूज कर रहे थे, ये दोनों ऑपरेटर। तो इसकी वैल्यू को हमें क्या कराना था, आपको बताया था ना एक, चलो फिर से कर लेते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हमारे पास आ गया, क्या लिखेंगे हम, इंक्रीमेंट। मैं चाह रहा हूँ सारे ऑपरेटर एक ही जगह समराइज हो जाएं, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या, चलो इसको ए प्लस प्लस ही लिख दें या इसको प्लस प्लस लिख देते हैं, ठीक है, याद रहे आपको इंक्रीमेंट हमने, तो इसकी वैल्यू किसकी कर ली हमने, ए प्लस प्लस। आपको याद रखना ये क्या पोस्टफिक्स है, पोस्टफिक्स में क्या होगा, नहीं पहले प्रीफिक्स कर लेते हैं हम, ठीक है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वाला क्या है, पहले होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, और फिर मैं कर लेता हूँ प्रिंट एफ, और ये हो गया मेरा, चलो इसे लिख देता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये आ गया प्रीफिक्स, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ आ गया हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आज सारे ऑपरेटर ना एक ही जगह ला दूंगा मैं, पोस्ट फिक्स, सारे ऑपरेटर आपके पास एक ही जगह हो जाएंगे, गलत तो नहीं लिखा, देखो पोस्ट फिक्स, ठीक है, धीरे धीरे करके, कल वाले प्रोग्राम में ही मुझे चेंज कर लेने चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ मैं कर लेता हूँ बी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा लेता हूँ, जिससे अंतर हमें पता चलता रहे। और क्या था हमारे पास, अच्छा इन दोनों के हमारे प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के ही हमारे क्या थे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर थे, ये हमारा इंक्रीमेंट है और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट, तो ये कर दिया हमने माइनस माइनस, और ये हमारा आ गया पोस्टफिक्स माइनस माइनस, ठीक है, और इंक्रीमेंट की जगह क्या कर दिया, डी ई सी आर ई एम ई एन टी, यहाँ भी कर लिया डी ई सी आर ई और एम ई एन टी, चलो इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। और कौन से थे, अच्छा असाइनमेंट वाले भी थे ना, है ना, चलो इसका आउटपुट चेक कर लें कहीं गलती हो, तो फिर असाइनमेंट वाले भी लिख लेंगे सारे, और फिर अरिथमेटिक वाले थे, बच गए थे ना अरिथमेटिक, वो भी लिख लेंगे, तो हमारा एक ही प्रोग्राम होता चला जाएगा, इसी में बनाते चले जाएंगे, एक ही जगह कोड आ जाएगा। इसको बिल्ड कर लेते हैं, पहले सेव कर लेते हैं, सेव, और इसको हम कर लेते हैं बिल्ड, ठीक है, चलो अच्छी बात है कि कोई एरर नहीं है, इसे रन कर लेते हैं। अब हमारे पास दो वेरिएबल हम शुरू के इक्वल लेंगे, क्या ले लें, चलो 5 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं,
और दूसरा वेरिएबल हमने अलग ले लिया, 8 ले लिया। देखो ये तो आ गए आपके ये सारी वैल्यूज, इंक्रीमेंट 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 डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सब मैशअप हो गया। ठीक है, अब करना क्या हमने, इससे बचने के लिए हम कर लें, और हमारी सिर्फ प्रिंटिंग अभी हमने की नहीं सही से, तो यहाँ क्या कर लेते हैं हम, यहाँ लगा लेते हैं स्लैश एन, यहाँ भी हमने लगा लिया स्लैश एन, और यहाँ भी हमने लगा लिया स्लैश एन, और यहाँ भी हमने लगा लिया, क्या लगा लिया स्लैश एन। अच्छा किसकी वैल्यू हम प्रिंट कराएं, यहाँ हमने कर दिया इक्वल टू ए सॉरी परसेंटेज डी, ये क्या कर लिया इक्वल टू परसेंटेज डी, इसे क्या कर लिया इक्वल टू परसेंटेज डी, बताना भी पड़ेगा ना, इसीलिए हम आप पे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा था कि किस टाइप का हमें चाहिए आर्गुमेंट। इसे फिर से बिल्ड कर लो, एरर नहीं दे रहा था लेकिन फिर भी हमारा आउटपुट उस जैसा नहीं आ रहा था, तो इस बार हम दे देते हैं 4 4, और इसको दे दिया हमने 8 8, दें नहीं अलग रख लेते नंबर 7। अब देखो आ रहा है, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, ए की वैल्यू कितनी थी 4, प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट कर दिया उसको प्रिंट किया, पोस्ट फिक्स में उसकी वैल्यू को उतना ही छोड़ दिया उसने, इंक्रीमेंट नहीं किया। ठीक है, फिर यहाँ डिक्रीमेंट में क्या किया उसने, डिक्रीमेंट आप देखो कितनी वैल्यू थी उसकी, सी ले रहे हैं ना हम या बी लिया हमने, यहाँ चेक कर लेते हैं डिक्रीमेंट में। अच्छा लास्ट वैल्यू आपकी कितनी थी, एक बार फिर से बढ़ गई, आप देखो यहाँ पे प्लस हुआ, वैल्यू कितनी हो गई 5 5 की वैल्यू फिर यहाँ पे, लेकिन प्रिंट कितनी हुई 4, फिर वैल्यू कितनी आई 6, डिक्रीमेंट हुआ लेकिन प्रिंट, और इसके बाद पोस्ट फिक्स ये हमारे पास आ गया, ए की वैल्यू प्रिंट कराई है और बी की वैल्यू प्रिंट कराई, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आप वैल्यू के साथ, तो एक बार प्रीफिक्स में क्या कर रहा है, पहले बढ़ा दे रहा है, और पोस्ट फिक्स में क्या कर रहा है, बाद में बढ़ा रहा है। चलो ये तो हमारे हो गया, ये हमारे रिलेशन वाले ऑपरेटर हो गए, रिलेशनल वाले। अब हमारे पास कौन से बचते हैं, अच्छा हाँ असाइनमेंट वाले है ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं असाइनमेंट। चलिए जी असाइनमेंट टैब दे देता हूँ, असाइनमेंट ए डबल एस आई जी, यानी ये क्या लिख दिया मैंने, एस आई जी एन एम ई एन टी, असाइनमेंट ही है ना, हाँ ठीक है असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए असाइनमेंट ऑपरेटर में, अब हमारे पास असाइनमेंट में क्या होता है, पहले लिख लेते हैं प्रिंट एफ पी पी, चलो इसको लिखा रहने दो, गलती है हमें बता देगा, है ना पी पी प्रिंट एफ, लेकिन सारे स्टेटमेंट में गलत हो जाएगा तो इसको हटा ही लेते हैं प्रिंट एफ। अच्छा एक असाइनमेंट ऑपरेटर होगा आपका प्लस वाला है ना, तो हमने क्या किया, क्या करें इसमें असाइनमेंट में, कैसे करें असाइनमेंट में प्लस वाला करें फिर असाइनमेंट में माइनस, तो एक काम करते हैं ए प्लस इक्वल टू बी, ये आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने प्रिंट करानी है, तो और इसमें क्या कर लिया हमने, यहाँ लिख लिया परसेंटेज डी इज इक्वल टू, ठीक है परसेंटेज डी, और वैल्यू किसकी प्रिंट कराएंगे ए प्लस इक्वल टू बी, वैल्यू प्रिंट करा दें हमने कि इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है, अच्छा असाइनमेंट में और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे आपको बताया हमने, अरे हाँ एक परसेंटेज ऑपरेटर तो और भूल गए हम, ठीक है अभी उसको भी याद रखना भाई, एक चलो 4 में देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा माइनस इक्वल टू, डिक्रीमेंट हो जाएगी, हो जाएगा हमारा इनटू मल्टीप्लाई इनटू, और ये हो जाएगा हमारा डिवाइड इनटू, मेरी समझ से इसी तरीके से होने चाहिए, और अगर बाकी के होंगे तो कल इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ठीक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, अब आ गए हमारे वो परसेंटेज वाला ऑपरेटर, तो परसेंटेज वाला अरिथमेटिक की कैटेगरी में ही डाल लेते हैं हम, है ना ए आर आई टी एच एम ए टी आई सी अरिथमेटिक ऑपरेटर, टाइपिंग में ये भी डाउट रहता है, स्पेलिंग तो गलत नहीं हो गया, चलो इससे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये तो कमेंट ही है। असाइनमेंट में सॉरी अरिथमेटिक में क्या था हमारे पास, हमारे पास था प्लस माइनस डिवाइड ऐसे ही थे ना, तो इनको लिख लेते हैं प्रिंट एफ,
क्या था? पहला ऑपरेटर ए प्लस बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है जी, कॉमा लगा लेते हैं हम। कॉमा लगा लें तो किसकी वैल्यू प्रिंट करा लें? ए प्लस बी। अच्छा, ए और बी के हम यहाँ सीधे सीधे वैल्यू क्यों नहीं रख लेते? तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, जैसे हमने ऊपर रिलेशनल वाले में कर रखा है वैसा ही कर लेते हैं इसको। ठीक, मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ हमटे। लेकिन इंक्रीमेंट वाले में डिक्रीमेंट वाले में दिक्कत हो जाएगी, तो उसमें रहने दो, है ना। यहाँ मैंने लिखा, देखता हूँ, परसेंटेज डी, और यहाँ भी आ गया परसेंटेज डी, और यहाँ किस किस की वैल्यू प्रिंट करा लूँ? ए कॉमा बी कॉमा ए प्लस बी। हाँ, ए प्लस बी की वैल्यू प्रिंट हो गई, यहाँ आ गया परसेंटेज डी, समझ में आ जाएगा। टाइम तो लग रहा है, लेकिन मुझे लगा था कि पहले से बना के रख लेना चाहिए था मुझे, क्योंकि इतना टाइम लगेगा। अच्छा, ये माइनस प्लस छूट गया है, तो फिर आप समझोगे ये क्या हो गया। अच्छा, ये भी प्लस छूट गया, देखो, अच्छा है कि हमने इसको समझ लिया। इनटू ये हमारे पास क्या आ गया, नहीं तो अभी अगर कंपाइल कर रहे होते तो आप भी कह रहे होते कि क्या प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, हमें गलत बता रहे हैं, है ना। और लिखा हुआ कुछ है और आउटपुट हम कुछ आता है, तो हमारा दिक्कत होती है। अच्छा हुआ ये परसेंटेज लगाने के चक्कर में हमने ये देख लिया कि हमने हमारे प्रोग्राम में कुछ गलती कर रखी है। ठीक है, यहाँ आ गया आपका ए कॉमा बी कॉमा, और ये आगे देखो डिवाइड वाला लगाना है हमें, ठीक है। अब अरिथमेटिक वाले ऑपरेटर कर लेते हैं, है ना। यहाँ कर लेते हैं हमारा परसेंटेज डी, और यहाँ भी कर लेते हैं प्लस परसेंटेज डी, और यहाँ, और वैल्यू किस किस की? ए कॉमा बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक। अब सारे हमारे ऑपरेटर सही से हो जाएंगे। अच्छा, सेमीकोलन रह गया, चलिए इसे एक बार देख भी लेंगे, अगर कोई आउटपुट में दिक्कत लगेगा तो इसको। अच्छा, अब एक बार मैंने इसको यहाँ कर लिया माइनस, और यहाँ भी मैंने कर लिया माइनस, ठीक है। और इसके बाद मैंने फिर इसको पेस्ट कर लिया, और इसको कर लिया फिर इनटू, ठीक है जी, और यहाँ मैंने इसको कर लिया इनटू, तो प्लस हो गया माइनस हो, अब डिवाइड हो रहा जाए, कंट्रोल बी, यहाँ मैंने इसको कर लिया डिवाइड। ये दिक्कत आएगी इंटीजर वैल्यू में डिवाइड करके आएगा जब, ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे उसे। अच्छा जी, एक बार और कर ले, वो परसेंटेज वाला निकालने के लिए, है ना, ए, और यहाँ मैंने कर लिया इसको परसेंटेज। इतने सारे ऑपरेटर हो गए, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, कहीं गलत हुआ ना आउटपुट, तो इसको सुधारने में बड़ा टाइम लग जाएगा। चलिए, ये अरिथमेटिक हो गया। तो अब हमारे पास देख लो, ये रिलेशनल ऑपरेटर आज का डिस्कशन था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये वाला कल का था, ये जो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर थे ये भी कल के थे, इसमें दो कैटेगरी और बढ़ा दी हमने, और ये तो अरिथमेटिक वाले हमारे पास थे ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको, अच्छा ठीक, अरे भाई कमाल हो गया, एरर नहीं है। अब बात करते हैं हमारे पास, अच्छा दो वैल्यू हम शुरू की सेम देंगे, तो हमने दे दी फोर और फोर, और दूसरी वैल्यू हम अलग देंगे सेवन। अब आपको चेक करना है इसको, ठीक है। अरे ये तो गलत हो गया यहाँ, बहुत सारी गलतियाँ आ रही हैं, गलतियाँ नहीं आ रही, आउटपुट हमारा कंप्रोमाइज्ड है ना। तो चलिए आउटपुट को अभी देखते हैं, पहले तो आउटपुट को ही देख लेते हैं। यहाँ देखो हमें क्या करना है, यहाँ लगाना है स्लैश एन, यहाँ लगाना है स्लैश एन, और यहाँ लगाना है स्लैश एन, यहाँ भी लगा दो स्लैश एन, स्लैश एन, स्लैश एन,
स्लैश एन, एक स्लैश एन ही लगा लगा के स्लैश टी तो रही गया, अभी वो भी बताना है आपको एक दिन, इसको करा लो बिल्ड। अब हम इसको कर लेते हैं रन, तो पहली दो वैल्यू हम सेम दे देते हैं 4 4 और दूसरी दे देते हैं 7। अब आप देखो आउटपुट आपको समझ में आ जाएगा, ये तो रिलेशनल थे है ना, 4 4 4 इज इक्वल टू 4, आपके सामने सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। अब आ गया प्रोग्राम, पहली वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्रीफिक्स है तो पहले इंक्रीमेंट कर देगा। अब बी में बी की वैल्यू 4 थी, पोस्ट इंक्रीमेंट है ये, बी की वैल्यू तो बढ़ गई है लेकिन वो प्रिंट नहीं हुई। अब यहाँ पे हमारे पास एक बार ये प्री हो गया, ठीक है, एक बार बढ़ चुकी होगी, लास्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है हमारी ये सी वाली 6, और ये वैल्यू कितनी हो चुकी है, ये हो चुकी 5। तो यहाँ पे हमारे पास ये पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। अच्छा यहाँ पे डाउट देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से रन कर लेंगे क्या, आपका प्लस प्लस तो नहीं रह गया। हाँ ये देखो भाई, ये बादशाह भाई प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, ये देखो ठीक है, ऐसे ही डाउट रह जाते हैं। अब कॉपी पेस्ट किया था तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने की जगह इंक्रीमेंट हो गया था, आउटपुट कंप्रोमाइज हो जाएगा आपका, मुझे डाउट लगा, मैंने कहा ये तो चेंज नहीं है, ठीक है। तो अब फिर से हमारे पास चलिए 3 इंटीजर, हम 4 4 7, ठीक। अब देखते हैं, अब ये देखो हमारे पास ये 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, 4 इज नॉट इक्वल टू 0 0 0, 4 इज नॉट इक्वल टू 4 0 हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक। अब इंक्रीमेंट में एक बढ़ चुकेगा, 4 से वैल्यू कितनी होगी, 5 प्रिंट होगी प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट में क्या हुआ, 4 ही रह गया लेकिन वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है उसकी, ठीक है, तो 4 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 भी हो जाएगी। तो ये 4 में पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो पहले डिक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें लास्ट वैल्यू 5 रह गई तो 5 ही प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे अगर बी की वैल्यू प्रिंट कराओगे आप इस स्टेप पे तो आपकी वैल्यू 4 ही आएगी, ठीक है। अब ये देखो 8 + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 है ना, तो 4 और प्लस की वैल्यू हमारी ये फिर से 8 8 कौन सी वैल्यू थी, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया है, ठीक, वैल्यू यही रखेंगे। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या लिखा है मैंने, 4 - 4 इज इक्वल टू 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 4 कैसे हो सकता है, क्या किया है मैंने, ये किया है, दो बार इक्वल लगाया मैंने, प्लस इक्वल टू, तो इसे कर लो आप प्लस इक्वल टू परसेंटेज प्लस इक्वल टू इक्वल टू, अच्छा ए प्लस 4 4 प्लस इक्वल टू 4 आना चाहिए था है ना, और यहाँ माइनस आना चाहिए था, तो यहाँ पे डी की वैल्यू ए की वैल्यू, इसको यहाँ पूरे को कमेंट बना देते हैं, तो कितना हो गया परसेंटेज डी प्लस इक्वल टू परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी, ओके 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 ओके, इक्वल टू क्यों लगा दिया यहाँ, इक्वल टू आएगा तभी तो आएगी वो वैल्यू, हाँ ठीक है, असाइनमेंट में, असाइनमेंट आप ऐसे समझ लो उसमें वैल्यू चली जाएगी, हाँ बस हम प्रिंट कर रहे हैं इसलिए दिख डाउट लग रहा है, ए बी सी डी, ठीक है चलो चेक करते हैं, ए की वैल्यू कितनी कर ली, 4, बी की वैल्यू कितनी कर ली, 4, सी की वैल्यू 7, यहाँ तक तो हमारा ठीक है प्रीफिक्स तक। अब ये आ रहा है 8, ए में 8 आ रहा है और प्लस इक्वल टू 4 और इज इक्वल टू कितना आ रहा है 8, ठीक है, 4 - इक्वल टू 4 आ रहा है 16 इंटू, ये गार्बेज उठा रहा है, ये देखो गार्बेज उठा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स हैं इस वाले सेक्शन में, इतने कोड में,
हमने यहाँ क्या किया सिंपल। अच्छा चलो, अगर सिंपल वैल्यू प्रिंट कराते हैं, हम इतना कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखते, तो मैं चेक कर लेता हूँ आउटपुट क्या आता है, आपको समझा दूंगा मैं आउटपुट, इसको बाद में कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, ए और बी की वैल्यू हमें पता है 4 और 4 है, वैल्यू भी प्रिंट करा लेंगे हम। अरे भाई गलत हो गया ये, ठीक, ये देखो और ये देखो, ठीक है। ये सिंपल हमने आर्ग्यूमेंट्स के वैल्यू प्रिंट करा लिए। अच्छा यहाँ चेक कर लें, प्रिंट ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा ए कॉमा बी। इसको क्या करो, हम डबल कोट में बदल दो, ये आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है जी। ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें इस इंस्टेंट पे पर्टिकुलर, तो हम समझ लेंगे उसे, आसानी हो जाएगी हमारे लिए समझने में, ठीक है। 4, 4 और 7, ओके। अब यहाँ पे आप देखो, ए की वैल्यू कितनी है 8 और बी की वैल्यू कितनी है 4। ये देखो, ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू कितना है 4, तो 4 में प्लस 4 करोगे और असाइन कर दोगे तो कितनी आएगी 8 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितनी आ जाएगी 4 माइनस 4, ये 4 माइनस 4 ही क्या है, 4 ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए में जो वैल्यू होगी लास्ट वो कितनी हो गई है 8। अब 8 में अगर आप इसे इस तरीके से समझो, आप अगर मैं इसे खत्म कर देता हूँ इस स्टेटमेंट को, क्योंकि लास्ट वैल्यू ए में कितनी स्टोर हो चुकेगी 8 इस इंस्टेंट पे। अगर आपको डाउट लग रहा है ना, तो इसको आप कमेंट में बदल दो। अब हमारे पास यहाँ चेक कर लेते हैं, डाउट नहीं आना चाहिए, अगर प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो तो कंसेप्ट कैसा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका, यहाँ देख लो। अच्छा बिल्ड नहीं किया मैंने फिर से शायद, ठीक है, तभी आउटपुट पुराना है। ये मैंने कमेंट बना दिया था लेकिन उसका असर नहीं दिखाया उस पर, ठीक। 4, 4 और 7, आप देख रहे हैं वैल्यू जीरो हो गई, 4 माइनस 4 कितनी हो जाएगी 0, और फिर इंटू करोगे डिवाइड करोगे तो सब जीरो ही जीरो आने, सारे जीरो हो जाएंगे। तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे पास लास्ट वैल्यू जो आएगी ए में ए प्लस होने के बाद वो कितनी हो जाएगी 8। इसको बिल्ड कर लेते हैं, अब क्लियर है ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 और 4 और ये आ गया 7। ऊपर का यहाँ तक तो जो रन था वो था, यहाँ हमारी वैल्यू आ गई 4 और 4। अब ए में कितनी चली जाएगी, ए में 4 की वैल्यू और ये 4 की वैल्यू 8 आ गई। अब 8 में माइनस 4 करूंगा तो कितनी आ जाएगी 4, और 4 इंटू 4 करूंगा तो कितनी आ जाएगी 16, और 16 को डिवाइड करूंगा तो कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। अब 4 प्लस 4 करेंगे तो कितनी आ जाएगी ये 8, 4 माइनस 4 करेंगे तो कितनी आएगी 0, 4 इंटू 4 करेंगे 16, 4 डिवाइड बाई तो 1, और 4% अच्छा परसेंटेज डी आ रहा है, ये कितनी हो जाएगी 4। तो ये हमारे पास हमारा आ गया है पूरा आउटपुट, जितने भी ऐसा ऑपरेटर्स थे हमने वो हमने करके यहाँ देख लिए, ये आ गया परसेंटेज डी इज इक्वल टू, है ना। तो इसको मुझे क्या करना था, परसेंटेज निकालना है, तो इसको भी आप सिंपल बने रहने दो, इससे डाउट मत करो, कंफ्यूजन होगा तो इसमें हम क्या कर लें, सीधे इसमें हमने परसेंटेज की वैल्यू निकाल ली सिंपल, ठीक। तो ये हमारे सारे ऑपरेटर अभी तक जितने थे, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर, अब इनकी थ्योरी है अरिथमेटिक ऑपरेटर की, असाइनमेंट ऑपरेटर की, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, और ये हमारे पास है रिलेशनल की, ये सारे इसकी थ्योरियाँ, यशवंत कनितकर हो गया, या लेटर सी ले लो, लेटर सी यशवंत कनितकर ही है, एक वो और आती है उसकी क्या बोलते हैं, मैं इसका बुक का नाम बोल रहा हूँ, उससे आप जितने भी थ्योरी है ना किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप इसकी ऑपरेटर्स की थ्योरी पढ़ लोगे,
और कल मुझे लगता है एक जैसे कॉमा ऑपरेटर होता है, नॉर्मली हम कॉमा कॉमा तो यूज ही कर रहे हैं, ये कॉमा ऑपरेटर है। एक मुझे लगता है एक साइज ऑफ ऑपरेटर और होता है, रुको आप, प्रिंट एफ और इसमें लगा दिया मैंने परसेंटेज डी और यहाँ मैंने लिख दिया कॉमा साइज SIZE साइज ऑफ, हाँ साइज ऑफ ऑपरेटर और होता है साइज ऑफ ए, इंटीजर का साइज दे देगा आपको। ठीक है, जरा वैल्यू देखें इसकी चेक करके, होता भी है नहीं होता है, पढ़ेंगे तो कल ही इसको, आज तो बहुत टाइम हो गया। 4 4 7 कहीं आ रहा है साइज ऑफ, हाँ ये आ रहा है नीचे लास्ट में 0 4। ठीक है, तो ये हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर भी है। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइज ऑफ, जिससे आपको आइडिया भी होगी, ऐसा भी साइज SIZE ऑफ, देखो यहाँ आ जाएगा, अब आ जाएगा। प्रोग्राम में वैलिड आउटपुट लाना थोड़ा सा टिपिकल तो लगता है, लेकिन जब एक बार आप सीख लोगे ना, तो ये आ गया साइज ऑफ, कितना है इंटीजर का साइज ऑफ 4, ये गलत कर दिया मैंने, देखो स्पेलिंग, साइज ऑफ करनी है आपने, साइज ऑफ कर देना। ठीक है, तो ये हमारी, नहीं तो गलत इंप्रेशन जाता है कि साइज की स्पेलिंग भी नहीं लिख सकते। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा सा पूरा का पूरा प्रोग्राम है आपका, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं, साइज ऑफ, और साइज ऑफ हम यहाँ पे फ्लोट ले लेंगे तो अलग हो जाएगा, करेक्टर ले लेंगे अलग हो जाएगा, यानी बेसिक मेमोरी में कितना साइज चाहिए उसको स्टोर करने के लिए वो यहाँ पे होगा। अब मैं एक बार मैं भी बुक देख लूँगा, मैं देख लेता हूँ, शायद PDF मेरे पास पड़ा होगा बुक में। ठीक है, मैं ऑपरेटर कोई बचा तो नहीं, अगर बचा होगा तो आपसे अभी बता दूंगा मैं कि भाई हमारे पास एक आधा ऑपरेटर और बचा है। लेट अस सी, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है भाई ये पूरा। अच्छा, इसके प्रॉब्लम्स हैं ना, इसमें लास्ट में दे रखे हैं, कोशिश करेंगे बाद में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके जो आपके है ना वो सब सॉल्व करने हम लोग ये, और ये वाला जो चैप्टर है ना सी इंस्ट्रक्शन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन 2 वाला, इसमें होंगे आपके इंस्ट्रक्शन और ये सब। ठीक है, ऑपरेटर्स वगैरह देख लेना अच्छे से, इंटीजर फ्लोट कर अरबी कन्वर्जन भी बताना, टाइप कास्टिंग भी बतानी है। ठीक है, एसोसिएटिविटी रूल्स हैं इसमें दे रखे हैं, सिंपल बोर्ड मास पढ़ लेना, बोर्ड मास का ध्यान रखना इसमें। अच्छा, डिसीजन आ गया यार ये, चलो ऐसा करता हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं ऑपरेटर्स यहाँ देख लेंगे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, टाइप कन्वर्जन दे रखा है सीधे इसमें, और मैं ढूंढ नहीं पा रहा, इसमें तो नहीं दे रखा, गलती मुझसे ही हो रही है, इसमें दे रखा है अरिथमेटिक दे रखे हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर्स कहाँ गए भाई, चलिए आप देख लेंगे उसे। ठीक है, किसी दूसरी बुक में रेफर कर लेंगे हम, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अगर इनमें कोई डाउट हो रहा होगा, कोई छूट रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में डाल देना, मैं इसको, हाँ अब याद आया, बिट वाइज ऑपरेटर्स, ठीक, बिट वाइज ऑपरेटर्स आपके बचे हैं अभी। ठीक है, जिसमें आपका बिट वाइज पहले क्या होता है, जो नंबर होता है वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है फिर। हाँ, ये और पढ़ाने रहेंगे, और थोड़े से और बचे होंगे एक आध दो, तो उसको मैं देख लूँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, टाइम भी काफ़ी हो रहा है, 12 बज गया, हाँ 12:01 हो गया, चलिए ख़त्म करते हैं इसको, लेकिन ये आप देख जरूर लेना, सारे ऑपरेटर समराइज हैं और इसका पूरा कोड मैं दे देता हूँ, वहीं कंपाइल्ड कोड है, बिल्कुल सही कोड है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू, और भाई सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, ऐसे कैसे बहुत कम कम चल रहा है, और आप लोग थोड़ा सा इसको ज़रा सीरियसली लो, प्रोग्रामिंग है कोई वैसा ही नहीं हो पाएगा ऐसे कि बस जैसे आप वो हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते हो ना वैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा, प्रैक्टिकल है, अच्छे से करो इसे। चलो थैंक यू भाई।